नमस्कार, हेडलाइन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों। नगर पालिका एवं नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिया ज्ञापन। मजदूरों की जूनियर ने, सफाईदारों की जूनियर ने, ये किसी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के गुलाम नहीं है। जो इसके हक अधिकार देगा हम उसको हार पिनाना पसंद करेंगे, नहीं तो अपने अपने बड़ों के आगे बिठाना भी पसंद नहीं करेंगे। मैं आज आप लोगों से कह देना चाहता हूँ, आपके क्षेत्रीय विधायक और सांसद और पार्षद बहुत युवा लाभी मेरी बहुत लोगों से जुड़ी है, बहुत लोग जुड़े अपने आका मानते हैं और सुबह शाम रात दिन पेड़ पढ़ते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि छोड़ दो उनके पेड़ पढ़ना, पढ़ लो इन लोगों के पेड़, ये मेरे बड़े बेटे हैं बुजुर्ग, और इनको मान सम्मान दो। मैं मान सम्मान की बात करना चाहता हूं, समाज के हक अधिकार में भी और बड़ों के हक अधिकार में भी ये इनको मिलना चाहिए। इनके पढ़ो और इनको ताकत दो और अपना हक ऐसे ले लो। आज संयुक्त मोर्चा का गठन हुआ है जिसमें 4 ट्रेड यूनियन हैं और जो रजिस्टर्ड हमारी संस्थाएं हैं वो संस्थाएं सहयोग कर रही हैं, और वो इसलिए बनाया गया है कि शासन से एक आदेश हुआ है जो कि सफाई कामगारों की सीधी भर्ती की जाए। सीधी भर्ती करें हमें कोई बाप, लेकिन सवाल इस बात का है जो 25 साल और 20 साल से 15 साल से जो हमारे सफाई कामगार काम कर रहे हैं उन्हें तो कम से कम स्थायी किया जाए, उनके लिए तो कुछ किया जाए। आप सीधी भर्ती भर करके और पदों को भर लेंगे, हमारे लोग वैसे ही वैसे रिटायर्ड हो जाएंगे। तो हमारी शासन से यही लड़ाई है कि आप सीधी भर्ती ना करके सबसे पहले जो 25 साल से जो काम कर रहे हैं हमारे लोग उनको आप स्थायी किया जाए, उनको परमानेंट किया जाए, यही हमारी मांग है। और ये जो आसन जो आदेश किया है ये शासन का आदेश नहीं है, ये अधिकारियों ने आदेश करवाया है, ये शासन का आदेश नहीं है। शासन तो चाहता है कि इनका हो, लेकिन अधिकारी वर्ग नहीं चाहता कि सफाई कामगारों का भला हो। सर नाम बता दीजिए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम ओपी गोदिया है, मैं प्रांताध्यक्ष अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा मध्य प्रदेश। वाल्मीकि राष्ट्रीय अध्यक्ष सफाई कल्याण और संयुक्त मोर्चा का मैं एक सदस्य हूँ, संयोजक। जैसा कि आप सब उपस्थित थे, 25 दिसंबर जो बैठक यहाँ गांधी भवन में हुई थी उसके निर्णय अनुसार आज बैठक हुई है, क्योंकि सफाई कर्मचारियों के पदों को इन्होंने व्यापम से कराने का निर्णय लिया हुआ है, सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। इस काले आदेश का हम लोग विरोध करते हैं और इसको वापस लिए जाने के लिए आज आंदोलन की रूपरेखा बन गई है। अगर सरकार समय अनुसार चर्चा नहीं करती है तो हम बहुत बड़े आंदोलन खड़े कर देंगे, इसमें धरना प्रदर्शन और सफाई कार बंद जैसा हड़ताल होगी जिसकी जिम्मेदारी सारी सरकार की और अधिकारियों के प्रशासन की, नगरी प्रशासन की। सर आज की बैठक में क्या पूरे प्रदेश लेवल के आज की बैठक में यही निर्णय लिया गया है कि सरकार को कोई भी निर्णय अगर आदेश जारी हुआ है तो समय तो देना ही पड़ेगा अपने को, भाई बगैर समय दिए और हो सकता है कि एक आध दिन में सरकार से चर्चा भी हो जाए, अगर वो मानते हैं तो ठीक है और नहीं तो फिर आंदोलन उग्र आंदोलन होगा। आइए उग्र आंदोलन होगा। बाकी हमारे माननीय करोसिया जी और माननीय झा साहब बताएंगे सारी बात। प्रताप करोसिया, प्रदेश अध्यक्ष राज्य सफाई कर्मचारी मोर्चा ट्रेड यूनियन। क्या है आज का विषय? आज का विषय ये है कि वाल्मीकि समाज की 11 ट्रेड यूनियन और सामाजिक संगठन के द्वारा आज संयुक्त मोर्चे का गठन किया गया, उसमें संयोजक संरक्षक बना और मार्गदर्शक मंडल बना है। हाल ही में नगरी प्रशासन विकास विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा एक आदेश सफाई कामगारों के लिए निकला है कि सफाई कामगारों के चतुर्थ श्रेणी के पद जो 21,000 मध्य प्रदेश में हैं उनकी भर्ती परीक्षा मंडल के माध्यम से की जाएगी। इससे जो समाज में नगरी निकायों में नगरी क्षेत्र में रहने वाला जो सफाई कामगार वर्ग है वो प्रभावित होगा, उनके पदों को षड्यंत्र करके दूसरे समाज के लोगों को ये पद देने का प्रयास किया जा रहा है, और इसके कारण संपूर्ण मध्य प्रदेश का वाल्मीकि समाज नाराज है। अगर इस आदेश को
तुरंत वापस नहीं किया गया। 9 तारीख को हमारा प्रतिनिधि मंडल का एक मांग पत्र माननीय भूपेंद्र सिंह जी नगरीय प्रशासन मंत्री जी को दिया जाएगा और माननीय सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंद्र सिंह परमार जी को। इसके बाद हमारा संगठन के जो संचालक मंडल है उनके साथ चर्चा और चर्चा में अगर हल नहीं निकला तो मध्य प्रदेश का संपूर्ण वाल्मीकि समाज आंदोलित हो जाएगा। कमल किशोर कोड़े, राष्ट्रीय अध्यक्ष वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ भारत से हूँ और आज ये जो बैठक हुई है गांधी भवन में ये वाल्मीकि समाज के विभिन्न संगठनों के संयुक्त मोर्चे की बैठक है। मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास विभाग के द्वारा एक 12 अक्टूबर को एक आदेश जारी किया गया था जिसमें PEB के द्वारा व्यापम के द्वारा परीक्षा कराकर तृतीय चतुर्थ श्रेणी की भर्ती की जा रही है। उसके विरुद्ध में हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए, सभी ने संगठनों ने मिलकर ये निर्णय किया कि सर्वप्रथम सफाई कर्मचारियों का जो पद है उसको आरक्षण रोस्टर से मुक्त किया जाए और उस पर सीधी भर्ती वाल्मीकि समाज के लोगों की जाए, नगरीय निकाय की जनसंख्या के आधार पर की जाए पदों को सृजित करके, और जो पहले से कार्य कर रहे हैं पहले संविदा दैनिक वेतन अंशकालीन उनको लिया जाए, उसके बाद जो पद बचते हैं उस पर वाल्मीकि समाज के सफाई कामगार से जुड़ी जातियों के लोगों को उस पर भर्ती किया। धन्यवाद। दूसरी बात ये है कि जो इस कौम के वाल्मीकि समाज के जो पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं ये तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर जो सीधी भर्ती कर रहे हैं उसमें हमारा 50% आरक्षण फिक्स करें। जिस प्रकार अनुसूचित जनजाति के युवाओं को सीधी नौकरी दी है इस प्रकार वाल्मीकि समाज के पढ़े लिखे बच्चों को सीधी नौकरी दी जाए। मैं रवि खोकर हूँ, राष्ट्रीय दलित परिसंबद्ध का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और राज्यसभा कर्मचारी मोर्चा मध्य प्रदेश का प्रवक्ता हूँ। आपको विदित है जैसा कि माननीय महेश तोमर जी ने आपको बताया कि जो ये व्यवस्थाएं निर्धारित हुई है, इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत क्या होता है कि सफाई कर्मचारी वर्ग की जो व्यवस्था होती है, चतुर्थ श्रेणी वर्ग की जो व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के अंदर 10 साल 12 साल 15 साल से आदमी काम करता रहता है। प्राथमिकता उसे दी जानी चाहिए कि वो आए, सबसे पहले वो नियमित हो और अपने परिवार को भरण पोषण करे। आज आपने देखा कि फ्रंटलाइन वॉरियर्स की तरह इस पूरे कोरोना काल में जिस तरीके से सफाई कर्मचारी वर्ग ने जो सेवाएं दी है, हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि सबसे पहले हम उन्हें पोषित करें। वो केवल अकेले नहीं है, उनके साथ उनके परिवार के 10 से 20 लोग 25 लोग जुड़े हैं। अच्छा, ये केवल बात एक शहर की नहीं है, एक सिटी की नहीं, एक जिले की नहीं, पूरे प्रदेश की बात हो रही है। कल को यदि ये सारा सर्कुलर यदि मध्य प्रदेश में लागू होता तो इसी के माध्यम से वो अन्य जिलों में, अन्य प्रदेशों में और देश के विभिन्न जगहों पर लागू होगा। तो सफाई कर्मचारी की व्यवस्था क्या होगी, चतुर्थ श्रेणी में काम करने वाले उस व्यक्ति की व्यवस्था क्या होगी, तो उसके उत्थान के लिए, उसके जीवन के निर्माण के लिए, उसके जीवन को सुपोषित सुशोषित सुशोषितता से बचाने के लिए व्यवस्था को निर्धारित कर रहा है। संपूर्ण भारतवर्ष के संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं ये उनकी बैठक है, ना कि वो भीड़ को हम लेके आए, पदाधिकारियों की बैठक है। आप यकीन मानेगा जिस दिन हम इस जगह पर उन सभी सदस्यों के साथ जिस दिन यहाँ कूदेंगे, हम संपूर्ण भारतवर्ष की भीड़ जब यहाँ इकट्ठा करेंगे, जब सदस्य इकट्ठा करेंगे, तो वो केवल भीड़ नहीं होगी, एक ऐसा यज्ञ होगा जिसमें आहुति ये पूरी सरकारों की आहुति हो जाएगी। हमारा इस सरकार से कोई मनमुटाव नहीं है, हम ये चाहते हैं कि ये जो व्यवस्था बनाई है इसको लचीली की जाए और जिससे कि सफाई कर्मचारी व्यवस्था, जो कि फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं जिनको नाम दिया गया है, उनकी व्यवस्था का निर्धारण, उनका जीवन यापन उच्च बने, ये मेरी सभी से कोशिश है और ये संदेश आप लोगों के माध्यम से पहुँचे। आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं साधुवाद देता हूँ आपको कि आप इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर जनमानस तक पहुँचाएँ और सोशल मीडिया के माध्यम से, सशक्त माध्यम है देश का, दुनिया का, उसके माध्यम से जनमानस तक इस बात को पहुँचाएँ। बहुत मेरा नाम महेश तोमर, इंदौर, राज्य सफाई कर्मचारी मोर्चा है, मध्य प्रदेश महासचिव और अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा मध्य प्रदेश का महासचिव। सर, किस मुद्दों के लेकर आज जो बैठक की गई, क्या है मुद्दा उसका? देखिए, ये मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है। विषय जो है कि अभी राज्य सरकार ने पिछले दिनों कोई आदेश जो निकाले हैं कि सफाई कर्मचारी जो मित्र हैं, जो भाई हैं, उनकी सीधी भर्ती के माध्यम से
या व्यापम के माध्यम से उनकी नियुक्ति की जाएगी। हमारा एक माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार से एक निवेदन है कि मध्य प्रदेश में जिला पंचायत में, पंचायत में, नगर निगम कर्मचारी परिषद में, निगम में, नगर पालिका में 20-25 वर्षों से विगत जो सफाई कामगार मित्र काम कर रहे हैं, माता बहनें काम कर रही हैं, और ये वो वर्ग है जो अंतिम पंक्ति में है और जो लोगों को खुद गंदगी में रहकर स्वच्छता प्रदान करता है, और ऐसे लोगों को अगर ये अनिवार्यता कर दी है कि 10वीं का आपको मार्कशीट अनिवार्य है, लिखित परीक्षा होगी और व्यापम से होगी, तो मेरा एक निवेदन है कि अगर हम व्यापम से नियुक्ति करते हैं तो अगर 100 नियुक्ति होती है तो मात्र 16 नियुक्ति सफाई कामगारों की होगी, बाकी अन्य वर्ग भी इसमें आ जाएगा, और जब अन्य वर्ग आ जाएगा तो वो दूसरे विभागों में शिफ्ट हो जाएगा और नाम सफाई कामगारों का होगा और काम वही करेंगे। इस तरह से राजस्थान में और अन्य राज्यों में भी हुआ है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री से जिसे और साथ ही जो हमारे विभागीय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से वरिष्ठ नेतृत्व से यही आग्रह है कि वे बहुत ही संवेदनशील ये मुद्दा है, इस बहुत ही जो सख्त विषय है कि 10वीं पास की अनिवार्यता और 10वीं पास की अनिवार्यता के साथ साथ ये जो अन्य लोग इसमें जो सीधी भर्ती के माध्यम से आ रहे हैं उन्हें रोकें और ये विषय को वापस लें, और 20-25 सालों से जो लोग काम कर रहे हैं उनको इसमें प्राथमिकता दी जाए, हमारा यही निवेदन है। मालवीय नाम है मेरा, प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चे में मंत्री हूँ, प्रदेश मंत्री। अभी ये सफाई कामगारों के विभिन्न संगठनों का एक संयुक्त मोर्चे की बैठक हुई है जिसमें सफाई कामगारों के पदों को रोस्टर प्रणाली से व्यापम के द्वारा भरा जाने का निर्णय जो सरकार ने लिया है उसकी मांग हम सरकार से करते हैं, मुख्यमंत्री जी से करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी से करते हैं कि इस आदेश को वापस लिया जाए और जो पद सरकार ने निर्धारित किए उन पदों पर पूर्व से लगे सफाई कर्मचारियों को रखा जाए। साथ ही सफाई का कार्य जो हमारे उपजातियां वाल्मीकि समाज, डोमा, डोम, डुमार, हेला, लाल बेगी, मखियार, जो भी जातियां जो सफाई का कार्य मध्य प्रदेश में करती हैं उनके बच्चों को, उनकी महिलाओं को, उनको ही इन पदों पर रखा जाए। देखने में आता है कि दूसरे लोग नौकरियों पे तो लग जाते हैं सफाई कामगारों की, लेकिन काम नहीं करते हैं। मात्र एक ही व्यवसाय समाज के पास है, इस वर्ग के पास है, दो चार जातियां जो हैं वो इसी सफाई के पेशे से अपना जीवन यापन और अपने बच्चों का लालन पालन करती है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय बीडी शर्मा साहब से अनुरोध करते हैं कि इस आदेश को अविलंब वापस लिया जाए।